फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, सच में मुझे बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि मेरे जो मतलब जो प्लांट थे वो सब सूख चुके हैं, और मुझे इतना दुख हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जो कुछ प्लांट अंदर थे, आप ये देख सकते हैं, ये अंदर रखा हुआ है, ये कितने ग्रीन है, और ये वाला प्लांट भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड, जो ऊपर छत पे प्लांट रखे हुए हैं वो उनकी हालत बहुत गंदी हो चुकी है, और मुझे इतना दुख लग रहा है कि जितने भी मतलब सारे गमले थे वो सब सूख चुके हैं। मैं उनकी अच्छे से केयर करती हूँ, फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। शायद वो धूप के रखने में से, और देख सकते हैं ये वाले, देखो देखो फ्रेंड, ये सब इतने मैंने रखे हुए हैं कि इनमें सब में जितने भी प्लांट थे वो सब फ्रेंड सूख चुके थे, ये देखो। तो मैंने इनको उठा के अंदर छाया में रख दिया है ताकि इनका कलर फेड नहीं हो, क्योंकि ये जल्दी से कलर देख फेड सकते हैं। मैंने इसकी इतनी अच्छे से केयर की थी, और ये देखो एकदम से, देखो कितना दुख होता है ना जब प्लांट सूख जाते हैं। ये टमाटर का पेड़ था, बट मैंने इनकी बहुत अच्छे से केयर थी और ये टूट चुके हैं। तो अब मैं इनको निकाल दे रही हूँ यहाँ से, और इनको फेंक देती हूँ मैं, क्योंकि देखो कितना दुख होता है ना कि अगर हम अच्छे से केयर करते हैं फिर भी पता नहीं क्यों, शायद धूप में रखने। ये भी देख सकते हैं आप, ये प्लांट मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। खैर, ये तो धूप में चल जाते हैं फ्रेंड, ये तो धूप के लिए ही प्लांट होते हैं, तो इनको मैंने रखा हुआ है बाहर धूप में। आप ये देख सकते हैं मिर्ची का, ये जो मिर्ची का प्लांट है, देखो पता नहीं इसमें कैसे कीड़े लग रहे हैं ना। मैंने इतनी केयर की है फिर भी फ्रेंड्स पता नहीं ऐसा क्यों हो रही है प्लांट्स। मैंने इतनी केयर की है इनकी, और फ्रेंड इसकी बात की जाए तो ये देखो, पता नहीं मेरे गमले क्यों सूख रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है इनको, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी केयर करने के बाद भी अगर ऐसा रिजल्ट मिलेगा तो फिर क्या होगा। तो फ्रेंड अब क्या कर सकते हैं, प्लांट तो खराब हो गए, अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और सच में मुझे इतना दुख होता है ना जब प्लांट खराब होते हैं, एकदम मतलब इतने केयर करते हैं और फिर भी धूप। चलो कोई बात नहीं, तो अब मैं प्लांट नहीं लेकर आऊँगी, अब मैं प्लांट लेकर आऊँगी बारिश के मौसम में, क्योंकि तभी सारे पौधे लगते हैं बारिश के पानी से। अच्छे कोई भी पौधा होता है वो अच्छे से लग जाता है। तो चलो फ्रेंड, अब हो गई है शाम, तो मैं बना लेती हूँ चाय। तो मैं भी यहाँ पे बनाने वाली हूँ गवार फली की सब्ज़ी, और मैंने फ्रीज में से ये निकाल दिया है, और मैं खीरे हटा ले रही हूँ। इसके अंदर मैंने फ्रीज में खीरे रखे हुए थे, तो आज फ्रेंड मैं बनाऊँगी गवार फली। और अब इनको मैं मतलब चाय, पहले मैं चाय बना लेती हूँ, फिर मैं गवार फली इनको काट लूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने फलियाँ काट ली हैं, अब मुझे इनको उबालना है, और उबालने के बाद हमें जाना है मार्केट। तो यहाँ पे मैं धो लेती हूँ, देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने फलियों को बॉईल कर लिया है, और बॉईल करने के बाद मैंने निकाल लिया है, और यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ तड़का। तो आप देख सकते हैं कि लगभग मेरी सब्ज़ी बनने वाली है, और लगभग बन के तैयार भी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फली की सब्ज़ी बनकर एकदम तैयार हो चुकी है, और अब मैं इसको यहाँ पर दे रही हूँ ढक। तो मैंने यहाँ पर इसको ढक दिया है और गैस कर दिया है बंद।
फ्रेंड्स, खाना वगैरह खाने के बाद हम आ गए हैं मार्केट जूस वगैरह पीने के लिए और थोड़ा घर का सामान लेने के लिए। और फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा टहलने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने जूस वगैरह पी लिया है। वो कोल्ड ड्रिंक लेने भी ले ली क्या? कोल्ड ड्रिंक कौन सी वाली ली है? कौन सी वाली ले रही है आइसक्रीम? रसभरी। रसभरी ले रही है क्या? अरे मैंगो ले ली थी तो ज्यादा, ये तो वो ले चोकोबार ले लो। डॉट्स भी एक मैंगो में आती है ना, जो पूरा कच्चा आम आता है। ये कौन सा दे रहे हो? डॉट्स वाले आते हैं ना, वो मैंगो डोली है। तो फ्रेंड, अब हम आ गए हैं खाना खाने के बाद टहलने और यहाँ पे हमने ले ली है आइसक्रीम। और हम आइसक्रीम खाते खाते यहाँ पे खाना खाने के बाद हम यहाँ पे टहलने आ गए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। और क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत टहलना चाहिए, क्योंकि टहलने से थोड़ा हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे ले ली है आइसक्रीम और आइसक्रीम खाते खाते हम टहलने वाले हैं। और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हम यहाँ पे टहलने के लिए आ गए हैं। और अब पीहू और मैं यहाँ पे खाना खाने के बाद आ गए हैं टहलने। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये है एयरफोर्स का है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं, जूम करके देखिए, ये रहा, देख सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आज ये निकली है हमारे यहाँ जयपुर बड़ी चौपड़ पर झांकी। तो आप देखिए झांकी का आनंद लीजिए और इन्जॉय कीजिए झांकी को। हनुमान जी देखो कैसे घूम रहे हैं चारों तरफ। और यहाँ पे गुलाबी नगरी में कोई ना कोई फंक्शन, मतलब कोई भी फेस्टिवल होता है राजस्थान जयपुर में, ये होता है कि जयपुर में कोई भी फेस्टिवल हो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ की झांकी है, होगा कोई आज फेस्टिवल उसी चीज़ की झांकी निकल रही है। तो आज का आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।